हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो जो मैंने प्रथम थर चैनल को विजिट करश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करनी, पाखर थे बेल बटन को प्रेस करनी, जहाँफल कि वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपरे पहुँच पारा। आम आज किसी आपंकर ओडिया सेक्शन रो डिस्कशन करवा, जोटा कि ओडिया लांगुएज पार्ट रही, तो से आम किसी क्वेश्चन आज डिस्कशन करवा, जोटा कि अलरेडी आपंकर प्रीवियस ईयर आसी देखिपे 2014 आसी, तो प्रायतः क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर रू ही डिस्कशन करे। एवं देखो किसी पिला आपर थियोरी क्लास करापाई कहते एवं थियोरी टाइम ना, आपणकर 8 days रहा 8 to 9 days, तो ये आप कौन करेंगे, आप फास्ट अफ अल आप कौन करेंगे, जहाँ आगुरी जहाँ थियोरी पढ़ी कन्सेप्ट पढ़ी जो सेक्शन आपर विक् अच्छी भूली जाइंटे आगे रिभाइज करने, बाकी टाइम बहुत बहुत इंपोर्टाट हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपड़ बारंबार आनालीसीस् करूँ 2013-18 पर्यंत। 2019 तो आप आउट ऑफ सिलेबस रही है, सीटा जब टाइम मिलूँ आप किसी देखे ना ना, तो आप कौन करेंगे, जहाँ आपर थियोरी रही आगुरी जहाँ कनसेप्ट पढ़ी भूली जाइए रिभाइज करदे 4-5 दिन भितर, आ 4-5 दिन जहाँ रही है प्रीवियस ईयर को खाली प्राक्ट करते, जिते MCQ टाइम करवा कथा। ठीक अच्छे, तो प्रथम क्वेश्चन देखो क्योंटी नीडर पर्यायवाचक शब्द, तो आपंकर गोटे एमती पर्यायवाचक शब्द पचारूँ ना विपरीत शब्द पचार से गोटे क्वेश्चन आसूँ, और आपंकर रूढ़ी लोकवाणी जो देखिए से गोटे कि दुईट क्वेश्चन आसूँ, तो ये तो आगुरी पढ़ी हेनी आपको एग्जाम पूर्व दिन ही आप मैंने रिड मारे। तो देखो क्योंटी नीडर पर्यायवाचक शब्द कुलाय, कुलाल, कुल्या ना कुलीन, तार राइट आंसर कौन हो कुलाय। ठीक अच्छे, कुलाय हम आरो राइट आंसर। ये शब्द गुड़ाक सब आंसर किए भी चेक करे, आपर डिक्सनारी भी चेक करना कहे, कहीं आंसर किए आप बेले बेले रंग दौर, तो कुलाय अर्थ होती नीड़। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो क्यों वाक्यटर अशुद्धि ना, ईश्वर भक्तर मनोकामना पूरण करते, देखो ये मनोकामना तो रंग अच्छी। ठीक अच्छे, भक्त मैने एकत्रित हो प्रसाद सेवन करना कोणार्क मंदिर में उत्कल कलार ये उत्कर्षता, ये आपंकर रंग अच्छी। सेकेंड सेन्टेन्स कौटी रंग अच्छी मुझे जापारे ना, तो आपड़ जानते कमेंट सेक्शन में जहां ए जो सेन्टेन्स लिखाई से मनोकामना हेनी, ये उत्कर्षता ये उत्कट सत्ता नुहे, तो ये आपंकर बी ऑप्शन में जानपारे ना, कि राइट आंसर हम डी, जो थे कि आपंकर टोटाल किसी रंग ना, जदि आम देखा तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, कि ऑप्शन नंबर बी रे कौट रंग जानपारे ना, तो आपड़ जानते निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में जनवे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्यों विकटतन शब्दर, देखो ये जो अशुद्धि आपंकर वाक्य दे दूसरी किमती आपको चारोटी शब्द दे थो, तो आपंकर अच्छी साधारण अशुद्धि आपंकर सिलेबस रे, तो सहीटा को भी आपड़ देखिकिना जी। तो देखो क्यों विकटतन शब्दर सम पर्यायवाची शब्द नुहे देती, विभावशु, दीनबंधु, चंडांशु, सीतांशु। विकटतन अर्थ कौन ना, विकटतन अर्थ हो सूर्य। ठीक अच्छे, तो ये सीतांशु, सीतांशु अर्थ हो चंद्र, किंतु विभावशु, दीनबंधु, चंडांशु ये सब सूर्य हम, कि सीतांशु ये चंद्र, तेणु सीतांशु ये अलग। तो नेक्स्ट देखो उप उपसर्गटी के अर्थर व्यवहृत हुए, सादृश्य, अभाव, पश्चात, आधिक्य। तो देखो आप दुटा बुक देखी आपणकर, तो से आपंकर उप उपसर्गर दे सादृश्य भी देसी, आधिक्य भी दे दुटा जिनस आपंकर अकॉर्डिंग टू ओटेड आंसर कि, तो से सादृश्य को ही नहीं, तो उप उपसर्गटी एक सादृश्य अर्थ में व्यवहृत होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कला क्यों एक विशेष पद, मधुर, जौवन, प्रथम ना सर्वदा, तो राइट आंसर कौन होौवन होपणकर विशेष पद, कारण मधुर तो हेनी आपर विशेषण पद हरिका हो, सर्वदा आई थिंक सर्वदा आपंकर अवय पद हो, तो ये आपंकर बी कौन हो जौवन हो गए विशेष पद। तो नेक्स्ट आपंकर देखा जे शुद्ध शब्दी बाछ, तो शुद्ध शब्दी बाछ देखो आशीष ना ए आशीष ना, देखते ये देखिपुर वार्ड, तो ये देखो साधारण अशुद्धि गोटे सेन्टेन्स पकई क्वेश्चन गोटे आपंकर चार्ट वार्ड देखिए, राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी जे आशीष। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जे विरक्त होगा अर्थ बुझाऊ रूढ़ीटी को चिन्हाओ, नाके इबा, नाके दम करिबा, नाक टेकिबा, नाक छिंचाड़ीबा, तो राइट आंसर कौन हम विरक्त होगा अर्थ नाक छिंचाड़ीबा,
ଏଠି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ନାକ ଟେକିବା ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରିବା, ନାକେଦମ କରିବା ଏ ତ ବି ବୁଝାଉନି ଯେ ବିରକ୍ତ ହେବା। ନାକେଇବାର ସେମିତି କିଛି ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ହେବ ବିରକ୍ତ ହେବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣାକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ନିଜେ ସ୍ୱ ପରିଚୟ ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ। ତ ସର୍ବନାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନା ଆତ୍ମବାଚକ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ଏମିତି ଆସୁଛି, ଚାରୋଟି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବ ନହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଥିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅବୟ ରହିଛି, ସର୍ବନାମ ରହିଛି, କ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଆପଣ ଥିଓରି ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥିବେ ତା ଦେହରୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ହେବ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆସିଲା କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଯେ କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦ, ଧାତୁ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଅବୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା, କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ମୋତେ ଆମିଷ ରୁଚେ ନାହିଁ, ଲତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି ନା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ଯେ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ଏଠି ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତା'ମାନେ କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ପବନ କିପରି ବହୁଛି ନା ଜୋରରେ ବହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ କିଏ ବହୁଛି, ତାକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା ଏଠି ଜୋରରେ। ତ ଜୋରରେ ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଏଠି ପୁଣି କିଏ ବିଶେଷଣ, ଏଠି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଠି ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ, ପୁସ୍ତକର ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା। ତ ଏଠି ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମଥର ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁସ୍ତକ ଭାଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଭାଷା କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହୋଇନଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁସ୍ତକ ଭାଷା, ଯାହା ଆମର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା, ତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ତାଙ୍କ ଭାଷାରୁ, ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ଦେଇଛେ, ତେଣୁ ଏଠି ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ। ତା'ପରେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଶୂନ ଭଳିଆ ଦେଇଛି, ଓ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ଲେଖିବା, ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଏଇଟା ହେବ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ହେବ, ସେ ଗୋଲ ଲେଖିବା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଗୋଟେ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ତା'ପରେ କହିଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଅକ୍ଷର ଖେଳ, ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ, ନା ବନାନ ଖେଳ, ନା କବିତା ଖେଳ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମର କେଉଁଠି ବେଶୀ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଥିଲା ବନାନ ଖେଳ। ତ ବନାନ ଖେଳ ଏଠି ଆପଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ନିରାକରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବନାନ ଖେଳ, ତେଣୁ ବନାନ ଖେଳଟି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନା ସାମଗ୍ରିକ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପିଲା କେତେ ଆଚିଭ୍ କଲା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଇଏ ତ ଯାଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରୁ ହିଁ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଲବ୍ଧ କେତେ ସାର କେତେ ସିଏ ଲବ୍ଧ କଲା ପାଠଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ। ସାମଗ୍ରିକ ଯେଉଁଟାକ କି ଆମର ସମେଟିଭ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯେଉଁଠି କରାଯାଇଥାଏ ସେ ବି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷତା ଆସିନଥାଏ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 55 କହିଲା, କେଉଁଠି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ମପା ଛୁପା ଭାଷା, ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ନା ସଂକ୍ଷେପରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ବିନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର କୌଶଳ ଜାଣିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନୁହେଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମପା ଛୁପା ଭାଷା, ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ଏଇଟା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନରେ।
संक्षेप में मनर भाव को प्रकाश करवा ये भी आपंकर भावर सांद्रता विनम्रता इत्यादि गुण गुड़ भाषा प्रकाश किंतु दरखास्त द्वारा जे बर्णा शुद्धि निराकरण कौशल यहाँ बिल्कुल भी नुहे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला विराम चिन्ह व हाइपेन के व्यवहार करा जाए तो विराम चिन्ह में पढ़े थियोरी क्लास पढ़े और थियोरी जो गुड़ाक रही जाता से गुड़ा आम क्वेश्चन मध्यम भी कलन है सेमिकलन है युवा सब डिस्कसन करे तो ये से कहला विराम चिन्ह व हाइपेन जोटा दे हाइपेन के व्यवहार कराए कौन सी अनुच्छेदर शिरोनाम पर धाड़ी अधा बा खंडिया रहीगले लेखा मध्य कौन सी अर्थ को स्पष्ट करने कौन सी अर्थ को स्पष्ट करने तो ब्राकेट संबोधन पर पूर्व भी बिल्कुल भी नुहे तो ये आपंकर कौन है ना धाड़ी अधा बा खंडिया रहीगले आप गोटे सेन्टेन्स एमती लिखु था लिखु था ये कौन है आपंकर धाड़ी बा धाड़ी जोड़ा अधा बा खंडिया रहीगला आपड़ी कौन कर दिखे हाइपेन दे कि पुणी तलू को लिखि था तो ये आपंकर हाइपेन ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला अभयारण्य व्याख्या आम किपरिपर जो अरण्य मनुष्य क्या भय करना यहाँ तो बिल्कुल नुहे जो अरण्य वनवासी मनुष्य स्वच्छंद विचरण करती ये भी बिल्कुल नुहे जो अरण्य लोके विविध ऋतु बणभोज करती आम अभयारण्य करा बिल्कुल नुहे ये तो बहुत इजी अच्छी तो ये आप रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो अरण्य जीवजंतु निर्भय स्वाधीन भाव में विचरण करें अभयारण्य कही था। नेक्स्ट आसला क्योंकि एक अनौपचारिक पत्र आर भी मुझे थियोरी क्लास कराई जो मैंने जाने ना क्योंकि औपचारिक क्योंकि गोटे अनौपचारिक देखिपर प्लेलीस्ट को जाकि तो वाणिज्यिक ना सरकारी ना व्यक्तिगत ना निमंत्रण देखो आपंकर निमंत्रण पत्र जोड़ा कि इनभाइटेसन कार्ड है सरकारी अफिशियाल पत्र है वाणिज्यिक पत्र है ये सब औपचारिक भितर जाऊँच कि व्यक्तिगत पत्र यहाँ हूँ आपंकर अनौपचारिक व्यक्तिगत भाव में आज जहाँ को पत्र लिखुं आपण भाई पाखक लिखुं जेकोण रिजन कि जी भी रिलेटिव्स बाहर अच्छा आप व्यक्तिगत भाव लिखुं से गोटे अनौपचारिक पत्र ठीक अच्छे। तापर कहला कहे वैष्णव निशे जीव जीव मुरुछी भी गला माली के मंदे ऊपर लिखित पदरे वैष्णव शब्द टी क्या कहुई स्वयं कवि को विष्णु भक्त को कृष्ण को ना जशोदा को तो ये राइट आंसर कौन हो आपंकर स्वयं कवि को कहुई ठीक अच्छे स्वयं कवि को ये कहुई वैष्णव। तापर कहला निर्मुक्त क्यों प्रकार प्रश्न व्यक्तिनिष्ठता दोष प्राय रही थाएगी तो मुझे आपको कही व्यक्तिनिष्ठता सब्जेक्टिविटी ये आपंकर क्यों प्रकार प्रश्न देखा जाए ना जोड़ी देखिए आपको मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न जोड़ी देखिए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जोड़ी देखिए संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न यही सब प्रश्न जो थे पिला टी लंग क्वेश्चन टाइप भाला जो थे लिखु लंग क्वेश्चन टाइप तो से सब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी बेसी थाए कि आपंकर ऑब्जेक्टिव टाइप जोड़ा एक मार्क वस्तुनिष्ठ प्रश्न एथेर आपंकर व्यक्तिनिष्ठता न थाए वस्तुनिष्ठता थाए तेनाली देखो देखिए ऑप्शन नंबर ए मेलक मेलक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भितर जाऊँगी व्यक्तिनिष्ठता न थाए वस्तुनिष्ठता वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहे एक मार्क क्वेश्चन से आप व्यक्तिनिष्ठता न थाए बहु विकल्प तो गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ए व्यक्तिनिष्ठता न थाए क्योंकि संक्षिप्त उत्तरमूलक व्यक्तिनिष्ठता रही थाए ठीक अच्छे। तो व्यक्तिनिष्ठता कहे कौन बुझे बहुत थोड़ा डिस्कसन कर डिस्कसन करें ये आपंकर किसी क्वेश्चन कारण आपंकर ओडिया सेक्शन हो कि इंग्लीश सेक्शन हो 10 मार्क आपंकर आसो पैसेज्रु 10 मार्क आपंकर आसो कंटेन्ट्रु 10 मार्क आपंकर आसो पेडागोगी तुम ये पैसेज डिस्कसन करना पैसेज मैंने आप करेंगे से एग्जाम हल तो ये कि 20 मार्क जहाँ थी कंटेन्ट पेडागोगी आम डिस्कसन कले आपड़ी जब हेल्पफुल होता है निश्चित भाव में लाइक करेंगे आपर लाइक कमेंट्स मोटेसन आसपाई थैंक यू।